क्या आप जानते हैं कि आज आप और हम रेगुलरली हमारे भोजन के साथ जहर खा रहे हैं? कैसे? आज हमारे भोजन में खेतों में उपयोग होने वाले रसायनों का असर आने के कारण जहर शामिल हो गया है और उसी जहर को हम हमारे भोजन के साथ रेगुलरली नियमित तौर पर ग्रहण कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये एक सच्चाई है। भोजन के विषय में जब भी हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वो पैकेट, वो प्रोसेस्ड फूड जो हम मार्केट से लेके आते हैं। पर क्या कभी हम जानते हैं कि ये फूड या ये प्रोसेस्ड खाना किस तरीके से तैयार किया गया है? एक भोजन या एक उत्पाद जो आप और हम ग्रहण करते हैं वो हमारे पास आने से पूर्व कई प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले वो खेतों में उगाया जाता है, खेतों के बाद वो प्रोसेसिंग के लिए जाता है, उसके बाद उसको पैकेजिंग करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं और उसके बाद वो जाकर आपकी और हमारी रसोई में आता है। इस पूरे प्रोसेस में खेत में उत्पन्न करने से लेकर उसको पैकेट करने तक उसमें केमिकल्स का उपयोग किया जाता है और यही केमिकल आज जहर की तरह हमारे भोजन में जुड़ गया है। और इसी प्रोसेस्ड फूड को जब हम खाते हैं तो उस भोजन के साथ हम रेगुलरली जहर खा रहे हैं। भोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भोजन के स्वरूप में आती है हमारे घर की रसोई, जिसमें हमारी माँ, बहनें या हमारी गृहणियाँ खाना बनाती हैं। या भोजन के विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा। और अगर इस भोजन के रॉ मटेरियल यानी इसके भोजन को तैयार करने की सामग्री के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आती है अपने नज़दीक की कोई किराना की दुकान। लेकिन क्या हम नहीं जानते कि इस भोजन की उत्पत्ति का जो मेन सोर्स है वो होता है हमारा किसान और उसका खेत? तो क्या कभी भोजन के बारे में सोचते हुए हमारे दिमाग में खेत या वो किसान आता है? अगर इस प्रश्न पर बारीकी से विचार करेंगे तो ज्यादातर लोगों का उत्तर होगा नहीं। आखिर ऐसा क्यों? यही मूल कारण है आज हमारे देश में भोजन की गुणवत्ता की कमी का और साथ में हमारे किसानों की दुर्दशा का। हम सभी उपभोक्ता के तौर पर किसान को टू बी ग्रांटेड लेते हैं और यही कारण है कि आज हमारे देश का किसान जो हमें भोजन उपलब्ध कराता है वो भी अब हमें टू बी ग्रांटेड लेने लगा है, जिसके कारण केवल अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो अपने खेत में हर वो काम करने के लिए तैयार है, जिसके कारण उस भोजन को उत्पन्न करने के बाद उस भोजन को ग्रहण करते हुए हमें और आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हम सभी इस बात को जानते नहीं है कि दिन पे दिन आज हमारे भोजन के कारण हम असंख्य बीमारियों का सामना कर रहे हैं? बीते कोरोना के दौर में एक बात स्पष्ट रूप से सबके सामने आई कि आज हमारे देश में और ना केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में मनुष्य की इम्यूनिटी यानी उसकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता दिन पे दिन कम होती जा रही है और इसका सीधा कारण है हमारे भोजन की क्वालिटी, जिसके कारण हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज या हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है लोगों से लड़ने की वो कम होती जा रही है। आज के दौर में किसान अपने खेतों पर अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिन प्रयोग के कारण आज भोजन में उन रसायनों का असर आने लगा। इन्हीं रसायनों के असर के कारण जब हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमें असंख्य बीमारियों का सामना करना पड़ता है और आज दिन प्रतिदिन नए नए रोगों का संचार हो रहा है, नए नए रोगों की उत्पत्ति हो रही है, जिनके कारण हमें एक बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कोई इसका हल नहीं है, कोई इसका समाधान नहीं है? रसायनों का प्रयोग शुरू होने से पूर्व सभी प्रकार की खेती जो की जाती थी वो प्राकृतिक या जैविक ही होती थी। तो फिर आज क्यों ये प्राकृतिक, जैविक और रासायनिक खेती का कॉन्सेप्ट आया?
एक किसान का आज हर जगह शोषण होता है। अगर किसान की फसल अच्छी हो जाए, उसकी पैदावार बढ़ जाए, तो मंडी में उसका रेट गिर जाता है, क्योंकि पैदावार ज्यादा होने के कारण डिमांड और सप्लाई के खेल में वो फंस जाता है और उसको वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वहीं दूसरी ओर अगर प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल कम रह जाए तो उसको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। बारिश कम हो तो उसके लिए समस्या, और अगर यह जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके लिए समस्या। तो एक किसान को आज सभी फ्रंट पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खाद बीज की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको और हमें बाजार में मिलने वाली चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, पर उसके अनुरूप किसान को मिलने वाली जो उसकी फसल कीमत है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती। फलस्वरूप किसान अत्यधिक उत्पादन करने के लिए मजबूर है ताकि वो अपनी लागत और अपने फसल के नुकसान को बचा सके और अपने खेत से अपने परिवार के लिए आजीविका का रास्ता बना सके। इसी कारण से आज किसान जरूरत से ज्यादा अत्यधिक रसायनों का प्रयोग केवल इस उम्मीद से करता है कि इस रसायन के प्रयोग से उसकी फसल में पैदावार बढ़ेगी और उसके लागत के साथ साथ उसे कुछ आमदनी भी मिलेगी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसान ये जानता है कि जो रसायनों का प्रयोग कर वो फसल को पैदा कर रहा है वो फसल उपयोग करने लायक नहीं होती, इसीलिए ज्यादातर किसान अपने और अपने परिवार के लिए अलग से बिना रसायनों की या बहुत ही कम रसायनों से फसल तैयार करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए दोनों ही तरफ से, चाहे वो किसान हो चाहे उपभोक्ता, इन रसायनों के प्रयोग से दोनों का ही नुकसान हो रहा है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिनसे किसान अत्यधिक रसायनों का प्रयोग करने से बचे और ना केवल उसे बल्कि आपको और हमें भी एक उपभोक्ता के तौर पर सेहत का नुकसान उठाने से बचाव हो सके? अगर आज आप और हम प्रयास करें तो हम एक किसान को ना केवल आर्थिक रूप से कमजोर होने से बचा सकते हैं बल्कि उसको अच्छा भोजन या बिना रसायनों का भोजन तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, आइए इस विषय पर अब हम चर्चा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में अब बड़े किसान बहुत कम हैं और केवल छोटे किसान ही शेष रह गए हैं। ये सभी छोटे किसान आज इतने सक्षम नहीं हैं कि अपनी फसल को पैदा करने के बाद उसको किसी प्रकार से स्टॉक कर सकें या प्रोसेस कर सकें या उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकें ताकि बाजार में जो दाम आप और हम देते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने भोजन के लिए, वो दाम इस किसान को मिल सके। तो क्या वो रास्ता हो सकता है जिससे किसानों का भी भला हो सके और आपको और हमें अच्छा भोजन प्राप्त हो सके? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे घरों में, हमारे आसपास में अगर हमें किसी प्रकार की सेहत की, हेल्थ की कोई समस्या होती है तो हमारे साथ कुछ जानकार डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जिनको हम सीधा अप्रोच करते हैं ताकि हमारी समस्या का निदान हो सके। जिस प्रकार हम सभी के साथ एक फैमिली डॉक्टर जुड़ा होता है, अगर हम एक फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट पर काम करें और सभी लोग फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एक फार्मर को जोड़ लें अपने भोजन की जरूरत के लिए, तो हम ना केवल उस किसान को एक आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं बल्कि स्वयं को भी सेहतमंद भोजन प्रदान कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार ये संभव है। हमारे देश में लगभग 65-70% आबादी डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। हमारे आसपास में अगर हम देखेंगे तो हमें कोई ना कोई हमारे रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारे परिचित जरूर मिल जाएंगे जो कि खेती या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमने कभी भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि हम अपने भोजन की जरूरत के लिए
उनके साथ जुड़ें। आज बाजार में एक उपभोक्ता भोजन या कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जब जाता तो वो सबसे पहले उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग, इस पर ध्यान देता है। लेकिन क्या ब्रांडिंग से और पैकेजिंग से हम आश्वस्त हो सकते हैं कि उस पैकेजिंग और उस ब्रांडिंग में जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसकी गुणवत्ता सेहतमंद है और उसका उपयोग करने के बाद हमें किसी प्रकार के स्वास्थ्य का हानि नहीं होने वाली। अगर मैं बात करूं मेजर ब्रांड्स की, तो आए दिन आप और हमें कुछ ना कुछ इस प्रकार की सूचनाएं, इस प्रकार की न्यूज़ मिलती रहती हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जिस ब्रांड के साथ हम बड़े ही विश्वसनीय तौर पर जुड़े हुए हैं, उस ब्रांड के प्रोडक्ट की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं, फिर भी हम उन्हीं ब्रांड्स को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। अगर हम इन ब्रांड्स के, इन पैकेजिंग के पीछे जाना छोड़कर डायरेक्ट उन किसानों या उन एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों से जुड़े जो कि अपने खेतों पर, अपने फार्म्स पर प्रोडक्ट को, उत्पादों को तैयार करते हैं और उनसे उनके उत्पादों को खरीद कर ग्रहण करें, तो मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि हम जो बाजार से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनके मुकाबले अच्छा सेहतमंद उत्पाद हम इन किसानों से प्राप्त कर सकते हैं। पिछले 3 वर्षों के हमारे प्रयास में हमने अपने साथ कई किसानों को जोड़ा और हमारा प्रयास रहा कि उनके उत्पादों को हम किसी प्रकार प्रोसेस कर डायरेक्ट उन कस्टमर्स तक पहुंचाएं जिनके अंदर ये जागरूकता फैल चुकी है कि किसानों से जुड़कर जो उत्पाद उन्हें मिलेगा वो किसी ब्रांड से, वो किसी पैकेजिंग से ज्यादा बेटर है उनकी सेहत के लिए। दोस्तों, समय आ गया है कि अब हम किसी भी ब्रांड के पीछे भागना छोड़कर उन किसानों के साथ जुड़े जो ये प्रयास करते हैं कि उनके उत्पादों को वो किसी प्रकार थोड़ा बहुत प्रोसेस कर डायरेक्ट उन उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जिनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है और जो अपने उत्पाद को ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आ रहा है। जब हम बाजार में कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो हमें उसका कोई निश्चित सोर्स नहीं पता होता कि वो किस खेत से, किस व्यक्ति द्वारा उगाया गया है, किस तरीके से प्रोसेस किया गया है और फिर हमारे तक पहुँचाने से पहले उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल या प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है या नहीं। अगर हम डायरेक्ट किसी किसान के साथ जुड़ते हैं तो हम इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि हमें ये जानकारी मिलेगी कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर उगाया गया है, किस तरीके से प्रोसेस किया गया है और किसी प्रकार की उसमें मिलावट या कोई केमिकल का उपयोग किया गया है या नहीं। तो ये हमें होने वाला वो पहला लाभ है जो कि बहुत ज़रूरी है अगर हम एक सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं। बीते 50-60 वर्षों में जो हमारे देश में खेती की गई उसमें किसान का और उस खेती का शोषण किया गया, चाहे मंडी में बैठा हुआ आड़ती हो या आप और हमारे जैसे ग्राहक। जब भी हम किसानों के साथ जुड़ते हैं तो केवल इस मंशा से जुड़ते हैं कि किस प्रकार हम कम से कम दामों में उस किसान का उत्पाद खरीद सकें। वहीं अगर हम किसी ब्रांडेड स्टोर पर या किसी ब्रांडेड दुकान पर जाते हैं तो वहां हम किसी प्रकार का शोषण नहीं कर पाते और जो भी दाम हमसे कहा जाता है हम उसे वहां पे करके आते हैं। क्या कभी हमने नहीं सोचा कि इन्हीं कारणों से आज जो किसान जिसका हमने और आपने शोषण किया वो हमारा शोषण कर रहा है। दोस्तों, उस किसान का कोई दोष नहीं। एक किसान बड़ी ही मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता है और जब उस फसल को बाजार में, मंडी में लेके जाता है तो वहीं पर जब उसका उसे उचित दाम नहीं मिलता तो उसका आर्थिक रूप से शोषण होता है। वो किसान अपनी लागत, अपने खर्चे को नहीं निकाल पाता और फलस्वरूप वो अगली बार घाटे में जाने कारण अत्यधिक फसल के लालच में और ज्यादा रसायन का प्रयोग करता है। ये चेन कंटिन्यूसली पिछले 50-60 वर्षों से चल रही है और इसी कारण आज हमारे और आपके घरों में आने वाला जो भोजन है उसकी गुणवत्ता इतनी कम हो गई है कि उस भोजन में उस रसायनों का असर आने के कारण भोजन हमारे और आपकी सेहत के लिए जहर का काम कर रहा है।
दोस्त, अगर आज आपने और हमने जागरूकता नहीं दिखाई तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे जीन्स में ये बीमारियां स्थापित हो जाएंगी और आने वाली पीढ़ियों को ये भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। आइए, जिस प्रकार हमने फैमिली डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट तैयार किया, उसी प्रकार अपनी सेहत को सुधारने के लिए फैमिली फार्मर कॉन्सेप्ट पर आते हैं और हमारे आसपास में जो भी किसान हमारे परिचित हैं या जो भी रिश्तेदार हमारे खेती से जुड़े हुए हैं, उनके साथ डायरेक्ट जुड़कर न केवल उनको लाभ पहुंचाते हैं बल्कि अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों की भी सेहत को सुधारते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।